पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश अपने दोस्तों के साथ में प्यूटर सिटी जाता है, जहाँ पे वो ब्रॉक की जिम को देखते हैं और ब्रॉक का भाई अभी कैसा जिम लीडर बना हुआ है उसको भी देखते हैं। इसके बाद वो लोग सरुलियन सिटी में जाते हैं, जहाँ पे वो लोग मिस्टी की जिम को देखते हैं और वहाँ पर भी मज़े करते हैं। इसके बाद पैलेट टाउन जाते जाते ऐश यार प्यूटर सिटी जाता है, जहाँ पर वो बैटल करता है फॉरेस्ट से, यानी कि ब्रॉक के छोटे भाई से, और उसको हरा भी देता है बैटल के अंदर। इसके बाद फाइनली वो लोग पैलेट टाउन जाते हैं, पार्टी इन्जॉय करते हैं और वहाँ पर यार ऐश और गैरी अपनी पुरानी बातें करते हैं और अब अगले दिन वो लोग निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आगे अलान कहता है कि हम लोगों ने यहाँ आके काफ़ी अच्छा किया, एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ऐश कहता है कि हाँ ब्रॉक, तुमने काफ़ी अच्छा आइडिया दिया था पैलेट टाउन वापस आके, ये दो दिन हमारे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गए हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। और यार अब यहाँ पे ब्रॉक भी काफ़ी खुश होता है और बाकी सब लोग वो लोग बाय करते हैं डेलिया को, यानी कि ऐश की बॉम को, और बाय करते करते निकल जाते हैं पैलेट टाउन में से। ब्रॉक कहता है कि हमें कैसे भी करके 2 घंटे में वो पोर्ट पे पहुंचना होगा, वहीं से फेरी आएगी और हम लोग उसको पकड़ के वहाँ से जा सकते हैं फाइनली अपने स्टेडियम वापस। और ऐश कहता है कि हाँ, और ये वाली गलती से मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वाली मिस हो गई तो मुझे लगता है अगली वाली फेरी बहुत टाइम बाद ही आएगी, तो हमें कैसे भी करके जल्दी करना होगा। तभी यार पॉल पूछता है कि वैसे तुम लोग लियोन को अपने साथ लेके क्यों नहीं आए, लियोन क्यों नहीं आया? और तभी ऐश बोलता है कि मैंने उससे पूछा तो था लेकिन उसने मना कर दिया था, शायद से वो कुछ ज़्यादा सीरियस ट्रेनिंग करने वाला है। ब्रॉक कहता है कि हाँ, लगता है वो ऐश इस बार तुमसे पूरा पूरा बदला लेने वाला है, वो टूर्नामेंट का जिसमें तुमने उसको हराया था। और ऐश बोलता है कि हाँ, वो टूर्नामेंट तो सही में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, शायद से लियोन इसी वजह से अब फुल ट्रेनिंग कर रहा है, क्योंकि इस बार वो मुझे हराना चाहता है। अलान कहता है कि वो वाला टूर्नामेंट तो बहुत यादगार रहेगा, लेकिन लियोन ने मुझे सही में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उस वाले में हरा दिया था। मुझे तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं हुआ था कि लियोन इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसने इतना इजीली मुझे हरा दिया था, बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। और यार ऐश कहता है कि हाँ, ये तो था, तुम काफ़ी ज़्यादा ईजिली टूर्नामेंट से निकल गए थे, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी हार जाओगे। अलान कहता है कि हाँ, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन लियोन ने सही में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हराया था उस टाइम पर, मुझे वो भूल ही नहीं सकता मतलब मैं। अब यार वो लोग ऐसे ही कुछ देर और आगे चलते जाते हैं और तभी एकदम से यार एक जगह पे आके वो रुक जाते हैं और सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। ब्रॉक कहता है कि अब हम लोग क्या करें, अब आगे कैसे जाएं? ऐश कहता है कि मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं लग रहा, अब यहाँ से कैसे निकलें? और तभी हमें देखने मिलता है कि बेसिकली यार आगे का पूरा ब्रिज ही टूटा हुआ है, जहाँ से वो लोग जाने वाले हैं वो पूरा का पूरा ब्रिज ही टूट रहा है। और यार ऐश बोलता है कि क्या हम लोग को इस टूटे हुए ब्रिज से ही लटक लटक के जाने का रिस्क लेना चाहिए? और यार ब्रॉक बोलता है कि ये तो सही में बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, हमें ऐसा पागलपन नहीं करना चाहिए। अलान कहता है कि हम लोग को अपने पोकेमॉन की मदद लेनी चाहिए, वही सही होगा, फालतू में ऐसे रिस्क लेके कोई भी फ़ायदा नहीं है। और ऐश कहता है कि हाँ, मेरे हिसाब से भी यही सही है। और यार यहाँ पे अलान और ऐश दोनों ही अपने चार्जराट को निकालते हैं और वो सभी लोग ही चार्जराट पर बैठ के दूसरे साइड पर चले जाते हैं। अब यार ऐसे ही कुछ देर चलने के बाद अलान कहता है कि वैसे पॉल, तुम अपनी राइवलरी के बारे में कुछ बताओ, ऐश और तुम्हारी राइवलरी किस तरह की हुआ करती थी? क्योंकि मैंने तुम दोनों के बारे में कभी कुछ ज़्यादा सुना नहीं है कि मतलब तुम्हारी राइवलरी कैसी थी, मैंने तो ऑब्वियसली उस टाइम पर कुछ देखा नहीं है, तो तुम बताओ। और यार ऐश बोलता है कि हमारी जो राइवलरी थी वो एक्चुअली बहुत तगड़े राइवलरी थी, मतलब भाई बहुत ज़्यादा तगड़े वाले राइवल थे हम और बहुत नफरत करते थे एक दूसरे से। और अलान कहता है कि क्या ऐसा कुछ हुआ करता था, क्योंकि मेरे और ऐश की राइवलरी तो काफ़ी फ्रेंडली टाइप की थी। पॉल कहता है कि हाँ, लेकिन हमारे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और तभी यार गैरी भी पीछे से बोलता है कि हाँ सेम, हमारे में भी दोस्ती बिल्कुल भी नहीं थी शुरू में। और पॉल बोलता है कि मुझे शुरू में ऐश कुछ ज़्यादा ही बेकार बंदा लगता था, शुरू में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसकी जो थिंकिंग थी वो भी मेरे से पूरी डिफरेंट थी, ये अपने पोकेमॉन्स को कुछ ज़्यादा ही प्यार से ट्रेन करता था, जो मुझ पर बिल्कुल देखा नहीं जाता। और यार तभी ब्रॉक बोलता है कि हाँ, पोकेमॉन के मामले में ऐश से ज़्यादा प्यार पोकेमॉन को कोई भी नहीं कर सकता शायद से, ये सही में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है इस मामले में। और तभी पॉल बोलता है कि हाँ, ये चीज़ एक्चुअली मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुई जब ऐश ने मुझे सिनोलीक के अंदर हरा दिया था, उस टाइम पे जाके मुझे लगा कि शायद पोकेमॉन्स को प्यार से भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जा सकता है, ना कि जैसे मैं ज़बरदस्ती उनको ट्रेन करता था वैसे ही एक तरीका है। और ऐश बोलता है कि हाँ, पॉल सही में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग ट्रेनर था, बस उसको नफरत करने की एक यही वजह आती थी, अपने पोकेमॉन्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रेन करता था, बाकी ये ट्रेनर तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया था। अब यार ऐसे ही फाइनली इतनी देर बात कर करके वो लोग आ जाते हैं वहाँ पे पोर्ट पे। और यार ऐश बोलते हैं कि यहाँ पे तो कोई फेरी दिख नहीं रही, वो ऑलरेडी जा तो नहीं चुकी ना? और यार ब्रॉक बोलता है कि नहीं, शायद से वो अभी तक आई नहीं होगी। और तभी वहाँ पे यार जो एक बंदा खड़ा था वो लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि वहाँ जो स्टेडियम पर फेरी जाएगी वो वाली आई है कि नहीं, और वो बंदा कहता है कि वो तो वहीं पे देखो ना, अभी वो जस्ट निकल ही रही है। और यार वो सब लोग एकदम चौंक जाते हैं, ऐश कहता है कि उसको रोकना होगा हमको कैसे भी, वो जस्ट अभी स्टार्ट हुई है।
वो सब लोग यार वो फेरी के पीछे भागने लग जाते हैं और यार रुकने के लिए बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि रुक जाओ, लेकिन यार ऑब्वियसली अंदर से कोई सुनाई नहीं देता उन लोग को भी, अंदर वालों को, और यार कोई भी रोकता नहीं है। और यार वो जो वहाँ पे फेरी थी वो चली जाती है। और यार अब ब्रॉक बोलता है कि अब हम क्या करें, यही एक थी जो जाने वाली है, बाकी रात में ही जाएगी, तो भरोसा नहीं है अगर तुम्हारे बाई चांस कल सुबह ही बैटल निकल आया तो गड़बड़ हो जाएगी। और आज बोलता है कि हाँ हम लोग घर से भी मुझे लगा था सही टाइम पे निकले हैं, बट शायद हमें थोड़ा और जल्दी निकलना चाहिए था, वो ब्रिज के चक्कर में हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए मुझे लग रहा है, अब हम क्या करें। और यार मिस्टी बोलती है कि अब तो क्या कर सकते हैं, अब तो मुझे कुछ भी और ऑप्शन दिख नहीं रहा, कुछ और सोचना होगा जल्दी से। और यार तभी ब्रॉक कहता है कि एक्चुअली वहाँ जाने का एक लंबा रास्ता भी है जिस पे हम लोग लेकिन सिर्फ साइकिल से ही जा सकते हैं, वो जो तुम्हें साइड में ब्रिज दिख रहा है वो काफ़ी बड़ा सा ब्रिज है जो सीधा वहाँ स्टेडियम के तक ही जाता है, और लेकिन उस पे चलाने के लिए हमें साइकिल चाहिए, तो साइकिलिंग ब्रिज है तुम कह सकते हो, लेकिन उस पे बहुत लंबा रास्ता है। और ऐश कहता है कि हमारे पास और कोई तो ऑप्शन नहीं है, शायद हमें सब साइकिल रेंट पे लेनी चाहिए और उसके बाद वो साइकिलिंग ब्रिज से ही जाना चाहिए चाहे कितने भी घंटे लगे। और बाकी सब लोग भी अग्री करते हैं, अलान भी कहता है कि हाँ यही अच्छा आइडिया है, हमें वैसे भी पहुँचना है। और यार वो सब लोग वहाँ से साइकिल रेंट करने लग जाते हैं जो कि एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, लेकिन उनके पास और भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो सब लोग साइकिल रेंट करते हैं और उस साइकिलिंग ब्रिज से जाने लग जाते हैं। और यार ब्रॉक कहता है कि जितना हो सके हमें जल्दी चलना चाहिए ताकि अंधेरे से पहले ही पहुंच जाए, और वो सब लोग यार फुल स्पीड साइकिल चला रहे थे, जितना जल्दी हो सके वो लोग पहुंचने का ट्राई करते हैं। अब यार थोड़ी देर बाद शाम होने लग रही थी और अब धीरे धीरे मौसम भी बहुत ख़राब हो गया था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश आने लग जाती है, तो ऐश कहता है कि ऐसे में और भी ज़्यादा रिस्क हो सकता है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके सब लोग चलाओ, हमें जल्दी जल्दी पहुँचना होगा। और वो सब लोग यार और जल्दी साइकिल चलाने का ट्राई करते हैं जिससे कि जितना जल्दी हो सके वो पहुँचे ताकि और भी मौसम ज़्यादा ख़राब ना हो। फुल बारिश आ रही थी लेकिन फिर भी यार उनके पास और कोई रुकने वुकने का ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो सब लोग बस चलते ही जाते हैं भीगते हुए। और यार एकदम से यहाँ पर कुछ देर बाद ऐश को सामने ज़मीन पे कुछ दिखाई दे रहा था कि रोड पे कुछ तो पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो इतना ध्यान नहीं देता, और जैसे ही उनका पूरा ग्रुप अपनी साइकिल लेके उस चीज़ पे से गुजरता है उन सब के टायर जो है वो पंचर हो जाते हैं। और यार यहाँ पे एकदम से ऐश बोलता है कि ये क्या हो गया, और वो सब लोग उतर के देखते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली यार नेल्स पड़े हुए थे जिसकी वजह से उन सब के टायर पंचर हो चुके हैं। और ऐश कहता है कि ये तो पक्का किसी का काम लग रहा है, ये ऐसे रैंडमली तो कोई छोड़ के जाएगा नहीं। ब्रॉक कहता है कि हाँ शायद से कोई ना कोई तो हमें तंग करना चाह रहा है, लेकिन ये कौन है। और इसी हिसाब से यार यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो यार अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन ज़रूर ध्यान से दबा देना ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो यार नोटिफिकेशन तुमको तुरंत के तुरंत ज़रूर मिल जाए। बाकी हाँ मिलूंगा ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, अंटिल देन गुड बाय।